गोंदिया जिले में मानसून के दौरान नदियां उफान पर आ जाती है और कई जगहों पर बाढ़ भी आ जाती है। इसके चलते कई गांवों का संपर्क टूट जाता है। ऐसे में प्रशासन को नागरिकों से संपर्क करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बाढ़ की स्थिति के दौरान नागरिकों से मोबाइल फोन के जरिए संपर्क करने में काफी दिक्कतें आती है और मदद समय पर नहीं पहुंच पाती और कई सवाल उठते हैं कि जगह पर प्रशासन क्यों और कैसे मदद कर सकती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गोंदिया जिले को पहली बार 10 सैटेलाइट फोन मिले हैं। ये सैटेलाइट फोन अब बाढ़ की स्थिति के दौरान नागरिकों के संपर्क करने, जानकारी प्राप्त करने और सहायता प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इनमें से 6 सैटेलाइट फोन उपमंडल को दिए गए हैं और 4 सैटेलाइट फोन जिला प्रशासन के पास रखे गए हैं और आपातकालीन स्थितियों में इन सैटेलाइट फोन का उपयोग उस तालुका में किया जाएगा जिस तालुका में बाढ़ की स्थिति में आवश्यकता होगी। इसलिए इन सैटेलाइट फोन को संभालने का प्रशिक्षण जिले के हर तालुका के कर्मचारियों को दिया गया है और पिछली स्थिति के दौरान सैटेलाइट फोन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले है। मान्सून कालावधी मध्ये पूर परिस्थिती मध्ये संपर्क तुटणाऱ्या गावांमध्ये जाऊन काम करताना प्रशासनाला अनेक अडचणी यायच्या आणि त्यामध्ये मुख्य अडचण असायची ती वेगवेगळ्या मदत आणि पुनर्वसनाच्या बाबतीत काम करणाऱ्या यंत्रणेमध्ये समन्वयाची। त्या दृष्टीने संपर्क साधण्यासाठी सॅटेलाइट फोन्स मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत ऑक्टोबर 2022 जिल्हा प्रशासनाला मिळालेले एकूण 10 सॅटेलाइट फोन जिल्हा प्रशासनाला दिलेले आहेत। त्यापैकी 6 सॅटेलाइट फोन्सचे उपविभागनिहाय आणि इरिगेशन डिपार्टमेंट्सना वाटप करण्यात आलेले आहे। 4 फोन या सॅटेलाइट फोन या कार्यालयाला ठेवण्यात आलेले आहेत। मागणीनुसार आवश्यकतेनुसार इतर विभागांना ते त्या त्यावेळी देण्यात येते। पूर परिस्थितीमध्ये संपर्क साधण्यासाठी जे आपले पारंपरिक पद्धती आहेत जसं टेलिफोन असेल किंवा मोबाईल फोन्स असेल हे नेटवर्कच्या अभावी काम करत नाहीत अशा वेळी सॅटेलाइट फोनद्वारे संपर्क साधणं सहज शक्य होतं। त्या दृष्टीनं सॅटेलाइट फोन्स अशा कामामध्ये खूप उपयोगी पडणार आहेत। त्याचं पूर्ण प्रशिक्षण जिल्ह्यातील जे वेगवेगळे अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत फोन हाताळण्याच्या अनुषंगाने त्यांना देण्यात आलेलं आहे आणि त्या संदर्भातली जी काही महत्त्वाच्या सूचना आहेत त्या देखील त्या प्रशिक्षणाच्या दरम्यान त्यांना सांगितलेल्या आहेत। NBC न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।